अमेरिका को सता रहा है स्पेस वॉर का खतरा, बहुत बड़ी खबर है। स्पेस वॉर के लिए अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका की स्पेस फोर्स के हवाले से पेंटागन ने कहा है अगली जंग स्पेस में होगी, यानी अंतरिक्ष में होगी। तो क्या अंतरिक्ष की जंग होने वाली है? आइए जल्दी से इस बारे में बात करते हैं, क्या है स्पेस वॉर और किस तरह से उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है अमेरिका की स्पेस फोर्स खुद। समझिए क्या है यह स्पेस वॉर। महाशक्तियों, मान लीजिए रूस अमेरिका या चीन और अमेरिका के बीच अब अगली वॉर स्पेस में होगी, अंतरिक्ष में। स्पेस वॉर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में हो सकती है या इससे भी आगे। रूसी हमलों को रोकने में कमर्शियल सैटेलाइट की कामयाबी के बाद अमेरिका अब अलर्ट हो गया है। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट एजेंसियों को के साथ अमेरिका काम कर रहा है। यूएस की चिंता क्या है? स्पेस में प्राइवेट सैटेलाइट को निशाना बनाया जा सकता है और ये चिंता पहली बार नहीं आई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अमेरिका पर अटैक के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, उनका सैटेलाइट्स का। अमेरिका की तैयारी क्या है ये देखिए। व्हाइट हाउस और पेंटागन के अधिकारी मंथन कर रहे हैं कि इस हालात में क्या किया जा सकता है। जल्दी से जनरल कटोच में आपके पास आता हूं। जनरल कटोच, ये दुनिया की महाशक्तियां हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारा मैन पावर है, ये स्पेस वॉर की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। बट डू यू थिंक इज इट गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर? देखिए स्पेस की स्पेस तो बहुत सालों से मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। हाँ। जब भी हम साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं वो तो स्पेस रिलेटेड है, तो वहाँ पर स्पेस रिलेटेड ये बहुत सालों से ये काम चलता आ रहा है जी। लेकिन अभी तक स्पेस मिलिट्राइज नहीं हुई है, इसका मतलब है कि सैटेलाइट्स के ऊपर हथियार अभी तक नहीं डाले हैं। दूसरी बात, अगर सैटेलाइट्स को गिराने का काम अभी शुरू हो जाता है तो ये पूरी दुनिया को नुकसान होगा, क्योंकि जो डेब्री जो फैलेगी वो बाकी सैटेलाइट्स के लिए भी खतरा हो जाती है। बिल्कुल सही। तो एक बार अगर स्पेस के अगर एक देश दूसरे देशों की सैटेलाइट को बर्बाद करने में शुरू हो जाएंगे, तब तो मुझे लगता है कि जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेस के लिए अभी तक, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा मैं ज्यादा इस समय पर कोई खतरा नहीं समझता। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।